नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का सरकार से कई सवाल। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है, क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है। सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी हम दखल देंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। हम हाईकोर्ट की मदद की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस मामले में उन अदालतों को भी अहम रोल निभाना है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 5 निर्देश दिए हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र को मौजूदा स्थिति स्पष्ट करनी होगी। कितनी ऑक्सीजन है, राज्यों को कितनी जरूरत है, केंद्र से राज्यों को ऑक्सीजन के अल्टीमेटम का आधार क्या है, राज्यों को कितनी जरूरत है, ये तेजी से जानने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। गंभीर होती स्वास्थ्य जरूरतों को बढ़ाया जाए, कोविड बेड्स भी बढ़ाए जाएं। वो कदम बताइए जो रेमडेसिविर और फेविप्रिवर जैसी जरूरी दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए उठाए गए। अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी दो वैक्सीन उपलब्ध है। सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी, इन वैक्सीन के अलग अलग दाम तय करने के पीछे क्या तर्क और आधार है। 28 अप्रैल तक जवाब दें कि 18 से अधिक उम्र वाले के वैक्सीनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्या मामले हैं। केंद्र ने कहा, प्रधानमंत्री खुद समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। जी हां, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार हाई लेवल पर इस मामले पर काम कर रही है। परेशानियां दूर करने के लिए प्रधानमंत्री खुद इसे देख रहे हैं। हम हालत को बहुत सावधानी से संभाल रहे हैं। अदालत ने पिछली सुनवाई में मांगा था 4 पॉइंट्स पर नेशनल प्लान। आपको बता दें कि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो अदालत ने 4 पॉइंट्स पर नेशनल प्लान मांगा था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहीं कहा था कि कोरोना और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि हाई कोर्ट के मामलों पर सुनवाई का मतलब केस ट्रांसफर करना नहीं है। हाई कोर्ट्स आगे बढ़े और फैसले ले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कोरोना के बिगड़ते हालत पर 4 पॉइंट पे नेशनल प्लान मांगा था। पहला जो था वो ये था कि राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी बनी हुई है और मरीजों की जान जा रही है। दूसरा था, पूरे देश में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है लेकिन राज्यों में वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। तीसरा था, कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं की हर राज्य में कमी है। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं होना चाहिए, ये राज्य सरकार के अधीन हो। We'll be right back.